नमस्कार, आप सबका कहानियाँ कॉलिंग में स्वागत है। हम सबको जीवन में कई चुनाव करने पड़ते हैं, है ना? पर उस चुनाव के लिए हमें कैसे गहरे सोच और गहन विचार करने पड़ते हैं, ये जानते हैं हम आज की कहानी कवि के चुनाव से। एक राजा ने अपने नौजवान मंत्री से कहा कि मुझे कवि की जरूरत है अपने दरबार के लिए, और वो सच में कवि होना चाहिए। मंत्री ने हाँ में सर हिलाया और अगले ही दिन पूरे राज्य में डुगडुगी भिजवा दी, पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि महाराज को दरबार के लिए कवि की आवश्यकता है। तीसरे दिन मंत्री के महल के नीचे 1001 उम्मीदवार आ गए और वो सब अपने को कवि बता रहे थे। मंत्री ने अपना समय लिया और 21 दिनों तक उन सबकी कविताएं सुनी। उनकी कविताओं में मिठास थी, भावनाएं थी और दिल को छू जाने वाले अलंकार थे। मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ, पर यह क्या, उन्हें तो एक कवि चाहिए था, यहां तो 1001 थे। मंत्री ने सोचा सोचा सोचा। एक दिन निकल गए, दो दिन निकल गए, तीन दिन निकल गए। फिर चौथे दिन उसने एक पन्ने पर उन 1000 कलाकारों के कवियों के नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखे और महाराज को प्रस्तुत किए। देख के महाराज बड़े बहुत चक्के हुए और कहा, क्या ये सभी कवि है? उसने सर झुकाते हुए महाराज से कहा, महाराज मैंने इनकी कविता 21 दिन सुनी है, सभी के शब्द दिल को छू जाने वाले हैं, भावनाओं से भरे हैं और मैं इसका निर्णय नहीं कर सका, इसीलिए मैंने इन सब के नाम लिखकर आपके सामने रख दिए। महाराज भी बड़े परेशान हुए। महाराज ने कुछ देर सोचा, घंटा बीता, दो घंटा बीता, तीन घंटा बीता, चौथे घंटे महाराज ने ऐलान करवाया, इन सब को कारागृह में डाल दो, इनसे कठिन से कठिन परिश्रम करवाओ, इनसे खेत जुतवाओ, और ऐलान कर दिया जाए पूरे राज्य में कि जो भी कविता करेगा उसे पूरे राज्य के सबसे ताकतवर आदमी से कौड़े मरवाए जाएंगे, और तब तक मरवाए जाएंगे जब तक वो मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। राजा की आज्ञा का पालन हो। अब कोई कवि ना था, कोई काव्य की बात ना करता था, उल्टा राज्य के सब लोग उन 1001 कवियों के दुर्भाग्य पर रोते थे और प्रसन्न होते थे कि वो इसमें भाग लेने नहीं गए, और उनको तो कैद मिली गई थी। ऐसे करते 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 6 माह बीत गए। राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया कि चलो हम चल के कैद में जाते हैं और उन सबको देखते हैं। और वहां घुसते ही उन्होंने सबको आदेश दिया, सारे सिपाहियों को, कि इनकी तलाशी ली जाए, देखा जाए कौन इसमें से अभी भी कविता करता है। तलाशी में ये पाया गया कि उन 1001 में से 101 थे जो रात के अंधकार में सिपाहियों से छुप छुप के ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी कविताएं लिख रहे थे। ये जानते हुए भी कि अगर वो पकड़े गए तो ऐसा दंड मिलेगा कि वो जीवित भी नहीं बचेंगे, राजा ने अपने मंत्री से कहा, ये 900 निरे मूर्ख थे, कोई कवि नहीं था, सब कहीं से सिर्फ कविताएं छाप के लाए थे, इन्हें 6-6 माह का वेतन दे दो और निकाल दो यहां से। ये 101 किसी रकम से कवि हैं, एक काम करो, कह रहा इन्हों मेरा मोर महल दे दो, और ध्यान रहे इनकी सुख सुविधा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मंत्री ने कहा, जैसा आपका आदेश। आदेश का पालन हुआ, उन सबको मोर महल में आश्रय मिला। अब वे सब अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते थे, सर्वश्रेष्ठ भोजन करते थे और रास रंग में लीन रहते थे। उनका जीवन जैसे
परिवर्तित ही हो गया वो बिल्कुल। बाहर राज्य में उनकी चर्चा होती थी कि वाह, इन्होंने जो जोखिम लिया उसका क्या इन्हें उपहार मिला है, जीवन ही बदल गया, जीवन जैसे स्वर्ग में हो गया हो, राष्ट्रीय लय चलती है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं और सब राजपाट के सुख भोग में भोग रहे हैं। ऐसे करते करते फिर से 6 माह बीत गए, राजा फिर अपने नौजवान मंत्री के साथ गया और इस बार मोर महल में जाके बोलता है, आप सबको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो बड़े आनंद में हैं, आनंद विभोर है, आपने हमारा बड़ा ध्यान रखा। तो राजा कहता है ठीक है, तो आपने इन 6 माह में जो एकदम आपके निश्चिंत और चिंता मुक्त बीते, आपने क्या अपने मन के उद्गार लिखे ये आप मुझे सुनाए। सबके चेहरे लटक गए क्योंकि वो 6 माह में उन्होंने सिर्फ आराम किया, सिर्फ मजे किए और कविता और काव्य से उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। 100 लोग सर झुकाए हुए खड़े थे, सिर्फ एक था जो उन सबसे अलग था, जो अपनी दुनिया में था, और वहां कितने भी इंद्र सभाएं चल रही हो, कितना भी ऐशो आराम हो, बट वो अपने मन के उद्गार लिखता, स्वयं ही पढ़ता, स्वयं ही प्रसन्न होता, जैसे कि जंगल में मोर बारिश होने पे खुद ही नाचता है, खुद ही प्रसन्न होता है, चाहे उसे कोई देखे या ना देखे। राजा बड़े प्रसन्न हुए कि देखो ये एक कवि है, ये 1001 में से कंकरों में से एक हीरा है, कह रहा है ये जो 101 थे इन्होंने कविताएं कैद में रह के भी इसलिए की कि तब इनका जीवन बहुत दुखद था, इनको अपना जीवन प्रिय नहीं था, और ये कविता के द्वारा अपने भाग्य को कोसते और जीवन को कोसते थे और यही इनकी कविताएं थी। जैसे ही इनके जीवन में पलटा आया, सुख सुविधाएं की बारिश हो गई, कविताएं तो सब भूल गए, इनका उससे कोई वास्ता नहीं रहा। तो कह रहा है इन सबको धक्के मार के निकालो, इन 100 के 100 को धक्के मार के निकालो, कह रहा है, और इसे ये जो सच्चा कवि है, जो ना कि दुख की घड़ियों में बट सुख के प्रभात में भी कविता कर सके, जिसका कविता ही जीवन हो, जीवन से ही कविता हो, वही एक सच्चा कवि है, और इसको हमारे दरबार में नियुक्त किया जाए और इसको हम मुंह मांगी तनख्वाह देंगे। केवल उसे कहते हैं एक ही काम करना है तुम्हें, रोज आकर के मुझे एक कविता सुनानी है। ऐसा ही निश्चित हुआ, वो कवि आया, राजा को पहले दिन कविता सुनाई, दूसरे दिन सुनाई, तीसरे दिन सुनाई, लेकिन चौथे दिन ना तो वो दरबार आया ना कोई कविता, लेकिन उसने एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि मैं उद्गारों का कवि हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं आपके हिसाब से कविता नहीं कर सकता कि आप कहो मुझे आज एक कविता सुना दो, मेरा मन प्रसन्न कर दो, मैं उस हिसाब से कविता नहीं कर सकता, मुझे आप क्षमा करें। राजा के नौजवान मंत्री ने कहा देखो कैसा अब आ गया है ये, सब कुछ मिलने पर भी सब कुछ खो रहा है। राजा मुस्कुराए और उन्होंने बोला नहीं, ये अभागा नहीं, यह सच्चा कवि है। कहता है आज अगर तुम्हारे पिताजी यानी मेरे पहले मंत्री जीवित होते तो इसके चरण पकड़ के इसकी स्तुति करते कि भाई यही साहित्य का सच्चा साथी है, यही है जिसके दिल में साहित्य बसता है, कविता बसती है, तो इसके लिए अब ये हमारा एक सिर्फ इसके लिए एक परीक्षा थी, अब ये दरबार में अवश्य रहेगा लेकिन कविता अपनी मर्जी से करेगा, अपने उद्गारों अपने भावों के हिसाब से करेगा, ना कि हमारी मर्जी से। कवि जो होते हैं वो किसी के गुलाम नहीं होते, वो अपनी भावनाओं के हिसाब से कविता करते हैं। राजा के नौजवान मंत्री को सब समझ आ गया, उसने राजा को प्रणाम किया और इस कवि को भी सच्चत नमन। अक्सर जीवन में जो दिखता है
वो सत्य हो जरूरी तो नहीं है। इस बात का ज्ञान राजा को भली भांति था, अतः उसने कवि के चुनाव में बहुत सूझबूझ दिखाई। हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, फिर चाहे वो चुनाव जीवन साथी का हो, देश के प्रधानमंत्री का हो, राज्य के मुख्यमंत्री का हो, या कोई भी और चुनाव हो। गलत चुनाव का नतीजा बहुत भयंकर हो सकता है और उसके कई उदाहरण हमें आज के समय में नजर आते हैं। धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने कमेंट्स डालना ना भूलें।